Welcome to Roast and React. My name is Andy. You call India or Young India. Today we will talk about Pakistani public reaction. पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया पाकिस्तानी लड़कियों को नकली खूबसूरती की जरूरत क्यों पड़ती है. इतना मेकअप होता है समझ में ही नहीं आता पाउडर का डब्बा है या आटे का. खैर आज की वीडियो कैटेगलिस्ट रिकॉर्ड्स के वीडियो. एंग्री पाकिस्तानी ऑन कर्नाटका HC डिसीजन दैट वेयरिंग हिजाब नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे है. मैं हर वीडियो के बीच बीच में वीडियो रोक कर कमेंट्स देता हूँ इसलिए वीडियो पूरा देखिए. बात करते हैं वीडियो के टॉपिक से तो ये बर्ड है जो एंग्री हो रहे हैं. इन जाहिलों को सीरियसली लेता कौन है. इस वीडियो में भी लॉजिक आसमानी ही होंगे. एकदम जाहिलपन दिखेगा. पढ़े लिखे भी जाहिलों से ज्यादा बकवास करेंगे. अब ये हमारे इंटरनल मसले को अपने यहाँ ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके घर का मामला हो और ये बिना सिर पैर वाली बातें करते हैं. इनके खुद के घर में आग लगी है और ये गधे आग बुझाने के बजाय अपने लोगों का ध्यान इंडिया की तरफ लगा देते हैं. इस वीडियो में वही बात करूंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है और ऑथेंटिक है. मेरी इनसे कोई सहानुभूति नहीं है. चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट. Assalamu alaikum viewers, this is your host Nimra Ahmed and you are watching our YouTube channel Catalyst Records. Viewers, आज हम बात करेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी recently इंडिया में एक मुस्कान नामी लड़की के साथ एक incident हुआ था जिन्हें हिजाब जिन्हें अबाया पहनने से मना किया गया था और वो लड़की बिना डरे इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे पड़ी थी. अभी आप सब क्या उल्टा पैदा होते हो जो उल्टी बातें करते हैं. कॉलेजों में इंतहा पसंद के लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं. बोथ आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट एंड यू टेररिस्ट नॉट राइट टू क्वेश्चनिंग अबाउट आवर कंट्री. आप लोगों को क्या लगता है हमारे में से कोई आपको प्रोमोट करेगा तो बाकी आपकी हरकतों को जवाब नहीं देगा. ठीक है आज मेरे पास ऑडियंस कम सही पर एक इंडियन भी मेरी बातों से सुधर जाए तो बहुत है मेरे लिए. रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट से एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब अलाउ नहीं होगा. सिर्फ स्टूडेंट्स ड्रेसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म कोड. फर्स्ट लेडी यू हैव टू लर्न समथिंग. ऑनरेबल कोर्ट पासिंग जजमेंट्स नॉट अनाउंसमेंट. और जो फैसला हुआ है सही है. दे आर नॉट अलाउड टू वेयर हिजाब. ये अनाउंसमेंट की गई है कि हिजाब इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. आज इसी पूरे सिनेरियो पे हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इसके बाद हमें क्या रिएक्शन देती है और क्या इंडिया कामयाब होने के लिए वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करता है. तो चले मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग क्या रिव्यूज देते हैं. फर्स्टली वो तो हाई कोर्ट हैज टू लर्न अबाउट इस्लाम बिफोर दे गिव सच डिसीजन. अंकल हाउ डू यू नो अबाउट द जजेस डोंट नो अबाउट एनी रिलीजियस एस्पेक्ट्स. There's court also taking informations and suggestions from respective religious scholars and how you are to advise our country court, such kind of nonsense. And it is for any secular country, this is totally wrong, simply wrong. Ya aap secular hain, ya phir aap anti-Islam hain, anti-Muslim. So, France ne agar aise kiya hai, India kar raha hai, to ye secular countries jab aise behave kar rahe hain, तो सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री वी आर अ हिंदू कंट्री. सो फिर करें तो ठीक है बट नॉट क्लेमिंग दैट दे आर सेक्युलर कंट्री एंड देन कमिंग विद ऑल. चचा कब्र से दो फुट दूर हो और जाहिलो जैसी बातें कर रहे हो. सेक्युलर की डेफिनेशन पद हो उसमें धर्मों की बातें नहीं इक्वालिटी की बातें की गई है. और जब मौका आएगा हम हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देंगे. आपको क्या तकलीफ है आप तो एंकर की आराम से स्कैनिंग कर लो. सॉर्ट ऑफ anti-Islamic things. France में भी ये हुआ हिजाब के खिलाफ movement and all that. वहाँ पर Jews के साथ किया Jews का वापस ले लिया उन्होंने लेकिन हिजाब को इस France ने वापस नहीं लिया. यहाँ पर भी definitely जो uniforms पहनते हैं उधर लड़कियाँ लड़के India में भी अपने जो एक होता ना for example हिजाब is typical Muslim now और यहाँ पर वो गले में पहना होता है अल्लाह एंड ऑल दैट. इसी तरह से हिंदूज के भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्कूल्स में पहने जा रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं है इन्होंने ये किया. यू सी चाचा अगर शक्ल अच्छी है तो जुबान भी अच्छी रखो. हिंदू अगर अपने सिंबल पहनना शुरू कर देना तो तब टागे नहीं कापेगी मुंह से दो निकल जाएगा. आप लोगों को कुछ पता है आप लोग भी बड़ी बड़ी तावीज पहन के स्कूल आते हो और हिंदुओं को तो स्कूलों में बिंदी भी अलाव नहीं है. दैट इज द इशू. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम क्या नाम है आपका. डॉक्टर इफ्रा.
अच्छा डॉक्टर इफ्रा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो कि इंडिया में है, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में जो, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में जो है हिजाब अलाउ नहीं होगा, जस्ट यूनिफॉर्म पहनेंगी लड़कियाँ और हिजाब नहीं करेंगी, हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये कहा गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैं इस बारे में ये कहना पसंद करूंगी कि इंडिया में इस्लाम फोबिया है जिसकी वजह से वो इस टाइप की हरकतें करते हैं कि स्कार्फ्स मना कर दें, हिजाब मना कर दें, लेकिन बेसिकली इस्लाम में हमें कहा गया है कि हमने हिजाब करना है, स्कार्फ्स करने खुद को तो अच्छे तरह कवर करना है, तो उनको ये डर है कि अगर कोई एक करेगा तो उनको देखे बाकी मुस्लिम्स भी करेंगे, इसलिए वो इस पर बैन करते हैं कि हिजाब ना किए। खुद को डॉक्टर बोल रही हो और जबान जाहिलो जैसी, हमारी तरफ एक उंगली उठाने वालों अपने तरफ की तीन उंगली भी देख लो, तुम खुद अपने मजहब के हिसाब से हो क्या? मार्केट में अकेले घूम रही हो, बुरके का छोड़ो सिर क्यों नहीं ढका है? अगर आप डॉक्टर हो तो पूरे के पूरे मुल्क में जाहिल डॉक्टर्स की फौज है। इंडिया को यहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वो श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ? सो फनेटिसिज्म जो है वो दोनों मुल्कों में चल पड़ी है, उधर पंडितों के हाथों में मोदी टाइप और इधर हमारे मौलवी जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी ऐसे किया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे किया हुआ है, सेकुलर फोर्सेस को उन्होंने तबाह कर दिया। क्या जी सेकुलर मींस दहरी है, ये बिल्कुल गलत मतलब है। सेकुलर मींस इस्लाम कहते हैं रब्बुल आलमीन, राइट, ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ये मौलवी रब्बुल मुस्लिमीन कहते हैं, फिर रब्बुल सुन्नीन, फिर रब्बुल शियाईन, ऐसे नहीं होता। आलमीन को अगर आप भूलते हैं तो देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम। चाचा आपको ये किसने बताया कि मोदी जी के साथ पंडित रहते हैं? हमारे पंडित कभी फतवे नहीं बोलते, ना ही राजनीति पे कुछ बोलते हैं, वो सिर्फ देश और हमारे सनातन धर्म की बातें करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं, हिजाब हमारे मुसलमानों के मजहब का एक हिस्सा है और पर्दा एक शरी हुक्म दिया गया है, और अगर कोई खातून उसको अडॉप्ट करती है तो वो उसका बुनियादी हक है, और ये अगर इंतकामी तौर पे वो इस तरह करते हैं तो वो इस कानून गैर कानूनी उनका इकदाम। साला एक से एक गधे और जाहिल बैठे हैं, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे बलूचिस्तान में ये जजमेंट हुई हो, सारे नियाजी के सस्ते नशे करते हैं। यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है और सब गलत हो रहा है, यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बहुत गलत हरकते हो रही है और मौलवियों को खुली छुट्टी है, मौलवी जिसको चाहे फतवा दे के बंदे को मरवा देते हैं। इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में, इस मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मौलवियों ने, यहाँ पे मौलवी राज है और उन्होंने ये सब किया हुआ है, इनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर मौलवियों ने दांधली मचाई हुई है, इंडिया में हिंदुइज़्म ने दांधली मचाई हुई है, तो इन दोनों को इनकी जगह पर पहुँचाने की बेहद ज़रूरत है। आंटी जी, आपकी स्टॉट की बातों से लग रहा था कि आप समझदार हो, पर आप भी छोड़ो, जाने दो, आप लोग तो हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोलो मत, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। हिंदुओं को उनकी जगह पे रखने की और मुसलमानों को ये दिखाने की कि हमारा असली इस्लाम जो है ना उसके अंदर ये जो गंद यहाँ पे चल रहा है इस मुल्क में वो नहीं है। इस्लाम को खुदा के लिए आप लोग कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, इस्लाम को देखें, यहाँ ना मर्दों की आंखों में शर्म है ना औरतों में हया है, इस मुल्क में कुछ नहीं है, और इस्लाम के नाम पे नारे लगा के लोगों को मारने के धंधे छोड़ दें, यहाँ पे कुछ नहीं है इस मुल्क में। दुनिया में इमेज है वो तो, इट हैज़ बिकम अ हिंदू स्टेट, इट इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट। अगर उनके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो दे आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। And you Jahils living in Stone Age world known you as terrorists country. Old man shut your mouth and go to hell. Duniya, puri duniya pehchanti hai. The world is not stupid. Ye jo England walon ne inke upar 200 saal rule kiya. They know inside out what's happening here. And who are these people? Pakistan ko bhi wo jante hain, inko bhi jante hain. To ye jo hijab ka chakkar chalaya inhone, this is one of the many things they are doing against Muslims. इस पे भी मेरा यही आंसर है कि
ओनली एंड ओनली ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मुस्लिम्स के लिए हैं, नॉट फॉर एनी क्रिश्चियन जो इंडिया में रह रहा है. क्रिश्चियंस या जो भी मज़हब के लोग इंडिया में हैं उन्हें कोई भी किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़ते. ये रिस्ट्रिक्शन जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए. क्यों? इसका आंसर ये कि दे आर इस्लाम फोबिक्स, वो डरते हैं मुसलमानों से और उनको पता है कि जब यूनिटी हो जाए तो इस्लाम मुस्लिम्स जो हैं बहुत आगे चले जाते हैं और वो मुस्लिम्स को अपने आप से आगे नहीं देते. डॉक्टर साहिबा, आपको कैसे पता यहाँ क्या होता है? आपकी माँ इंडिया आई थी या हमारे यहाँ से कोई गया था? आपके कान में बताने, डॉक्टर हो तो सही जगह पे सुई लगाओ, कहीं सुई घूम गई तो कुछ दिनों में खुशखबरी आ जाएगी. देखना चाहते हैं मुस्लिम्स यूनिटी शो क्यों नहीं करते? यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो हैं अपना कल्चर छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे जाते हैं और जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बताई गई हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे एम्बेरसमेंट और बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके कामयाब होंगे? बिल्कुल ऐसे ही लगता है. बिल्कुल. क्या वो कामयाब नहीं है इस वक्त? कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक, लेकिन इतना कोई खास नहीं. डॉक्टर साहिबा, खुद कितना पाउडर पोत के आई है? अगर मानना है पूरे तरीके से अपने मजहब को फॉलो करो, इंटरनेट से दूर रहो, इसी कैमरा माइक से दूर रहो, अकेले घूमना सब हराम है. मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को डंप करना, ये इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, यूरोप में. तो आई होप कि इंशाल्लाह कि एक दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी, मुसलमानों की जीत होगी. इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके ही कामयाब रहेंगे? उनका बॉलीवुड इज प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, न्यूडिटी हैज़ कम इन, और वेस्ट के साथ तो वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं कल्चरली, वो अपना कल्चर भूल चुके हुए हैं और उसके ऊपर इस वक्त एकदम से उनको ये उठ रहा है कि जी हम बड़े कल्चर अपने सेव कर रहे हैं और ये जो स्कूलों में हिजाब नहीं पहनना, हज़ार साल से तो इकट्ठे रह रहे हैं, अब क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं नहीं, हिंदुइज्म में आज भी अच्छे घरानों की औरतें जो हैं वो अपने सर पे पल्लू लेके रहती हैं और अपने सरों को डाम के रहती हैं. हिंदुइज्म में भी ये चीज़ है. ये जानबूझ के मुसलमानों को नीचा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं. जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो समझ आ गए होंगे. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई है. पहले मैं ये आंटी अंकल को बता दूं, हिंदू औरतें बड़ों और गैर मर्दों से घर और बाहर घूंघट लेती है, स्कूलों में नहीं. और अब आप जो कुछ बोल रही है अपने आप पर और अपने देश पे लागू करो. दोस्तों, अब हिजाब का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. मैं कमेंट्स नहीं दे सकता, पर ये मामला अलग अलग हाई कोर्ट में गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट 2003, मद्रास हाई कोर्ट 2007, केरला हाई कोर्ट 2018, कर्नाटका हाई कोर्ट 2022, और फैसला एक ही था, स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू होंगे. दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देना. मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में. जय हिंद.